क्या करना चाहेंगे? आज लुधियाना में हैं आप और आपकी फिल्म आज मुहूर्त है, उसके क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ, और दूसरी बात ये कि लुधियाना की पावन धरती को भी मैं प्रणाम करती हूँ, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी अच्छे यूनिट के लोग हैं, काफ़ी अच्छी मतलब, और अपने हीरो को तो मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ही अच्छे हैं वो, और मुझे काफ़ी खुशी है कि आज मुहूर्त है और बहुत जल्द हम लोगों का काम स्टार्ट होगा। बात करें जब आप झारखंड से चल के और लुधियाना तक, कैसा रहा सफर, कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों? जी, झारखंड तो वैसे मेरा घर है, मैं थी पटना में। झारखंड से जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो सबसे पहले मुझे पवन जी की फिल्म चांदनी मिली थी, जिसमें कि मेरा स्ट्रगल लाइफ ऐसी चला। उसके बाद फिर अगर इस फिल्म की बात करें तो मैं इसका श्रेय अनिल जी को देना चाहूँगी, अपने डायरेक्टर सर को, क्योंकि उन्होंने ही मुझे मौका दिया प्रमोद जी के साथ काम करने का। जिस तरह प्रमोद जी के गाने आते हैं एक से एक पॉपुलर, एकदम प्रमोद जी एक यूथ स्टार की तरह एक अभी इंडस्ट्री में ग्रोथ कर रहे हैं, उनके साथ आपने केमिस्ट्री कैसी लगी कि आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, मैं तो प्रमोद जी के साथ काम करने के लिए पहले से बहुत ही इच्छुक थी और चाहती थी कि मुझे प्रमोद जी के साथ मौका मिले, तो आज मिल गया मौका। आज पूरा ब्राउन, क्या कहना चाहेंगे? बात करें इंडस्ट्री की, बात करें तो भोजपुरी के जैसे पावर के कौन कौन से ऐसे हीरो हैं जिसके साथ लगता है कि भोजपुरी हमारे साथ में, भोजपुरी समाज को एक अच्छा मेकिंग दे रहे हैं उनको और हमारे समाज को बढ़ा रहे हैं? अभी तो फिलहाल में निरहुआ जी और निरहुआ अमरपाली मैम और ऐसे अपने प्रमोद जी हैं, हीरो में खेसारी जी हैं, ऐसे मतलब इन लोगों से हम लोगों को हिम्मत भी मिलती है और हौसला भी मिलता है देख करके। बात करें खेसारी जी का तो क्या कंट्रोवर्सी की वजह से ज़्यादातर उनके ऊपर कंट्रोवर्सी रखे, लेकिन प्रमोद जी के पास में कंट्रोवर्सी कुछ नहीं होता है क्योंकि वो अपना काम करते हैं, तो किस नज़रिए से देखते हैं प्रमोद जी को और खेसारी जी को? मैं प्रमोद जी एक अच्छे आदमी हैं, और रही बात खेसारी जी की तो वो अपना मतलब क्या ही बताएं, अपने गानों की वजह से थोड़ा सा वो रहते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दिल के बहुत ही अच्छे आदमी हैं। और अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी, कौन कौन सी फिल्में आपकी आ रही हैं कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ, नवंबर में मेरी दो फिल्में आ रही हैं, दिल तुझको पुकारे और तेरी दुल्हन सजाऊंगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ मुझे आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें और देते रहें। आज जो फिल्म की मुहूर्त है उनके डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में बताना चाहेंगे क्या करना? डायरेक्टर सर तो बहुत ही अच्छे हैं और कोऑपरेटिव भी हैं मतलब, और प्रोड्यूसर सर भी हमारे बहुत ही अच्छे हैं मतलब, कि कंफर्टेबल रहो, अच्छे से रहो, मतलब किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं लगी मुझे, और मैं चाहती हूँ और ऐसा लगता है कि सर लोग के साथ काम करके काफ़ी अच्छा लगेगा। बात करें प्रमोद जी के और कुछ बताना चाहेंगे प्रमोद जी के बारे में? प्रमोद जी के बारे में, हाँ प्रमोद जी अच्छे आदमी हैं और उनकी कई फिल्में मैंने देखी हैं, उनके कई सॉन्ग सुनती हूँ, बहुत ही अच्छे मतलब बहुत ही अच्छे गायकार हैं, बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, अच्छा लगता है। जब भी आपका कास्ट किया गया, फिल्म की स्टोरी आपको सुना, कैसी लगी स्टोरी की इस फिल्म में हमको जुड़ना चाहिए और उससे लगाव कैसे बना? रही बात स्टोरी की तो स्टोरी बहुत ही अच्छी है, और हमारे राइटर सर जो हैं वो भी मतलब स्टोरी समझाने में और बताने में ऐसा लगता था जैसे कि रियल चल रहा है, कल उन्होंने बताया स्टोरी मुझे और स्टोरी सुन के बहुत ही अच्छा लगा और मुझे लगा कि नहीं मुझे करना चाहिए। चलिए, अपने फैन फॉलोअर्स से क्या कहना चाहेंगे? मैं अपने फैन फॉलोअर्स से यही कहना चाहती हूँ कि बस अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे बनाए रखें और ऐसे सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बात करें कि आज
आप लुधियाना के धरती पे हैं और बॉम्बे से चल के आए, क्या पर्पज है, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप जी? आज क्या पर्पज है, कुछ बताना चाहेंगे लुधियाना में? सर, आज पर्पज तो देखिए सभी का है, बट यहाँ पे जितने भी हैं सभी का बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो सबका एक ही पर्पज है कि हम आगे जाएं और हम आगे जाएं, है ना। हर कोई आगे जाने के लिए आया है यहाँ पर, बट मेरा ये है कि एक हर कोई आर्टिस्ट आगे ही जाता है, वो छोटा हो या बड़ा, डिपेंड करता है कि उस वो एक्टिंग कैसी कर रहा है। फिल्म की आज मुहूर्त है, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? मैं बस सर यही कहना चाहूँगी कि जिस के साथ में मुहूर्त हो रहा है, जिस तरीके से, और आप सबका सपोर्ट है इधर, इतना क्राउड्स, जितने भी लोग आए हुए हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं मुहूर्त में, वैसा ही सपोर्ट आगे मूवी को ले जाने के लिए। आप भोजपुरी इंडस्ट्री से नहीं, बाहर की मथुरा की रहने वाली, पूर्वांचल वहाँ से नहीं, पूर्वांचल की एक अलग छवि है, तो क्या करना चाहिए, कैसे आपका मन कन्वर्ट होने की उन्हें मुझे भोजपुरी करना चाहिए, कैसा लगा और क्यों भोजपुरी में आना चाहिए? बिल्कुल सर, देखिए हम सब हैं तो यूपी से, और इंसान कहीं का भी हो, जरूरी नहीं है कि वो अगर पूर्वांचल का है तो वो पूर्वांचल का कुछ नहीं कर सकता है, वो पूर्वांचल का है तो वो यहाँ का। अभी कितने ऐसे आर्टिस्ट हैं जो कि ओनली बॉलीवुड से हैं, बट वो साउथ में कर रहे हैं, और साउथ के हैं वो बॉलीवुड में कर रहे हैं। तो एक आर्टिस्ट का ये नहीं होता है कि वो भोजपुरी नहीं कर सकता है, बॉलीवुड नहीं कर सकता है, उसका ये एम नहीं होता। उसका एम होता है कि मुझे किसी भी लेवल पर पहुंचना है, फिर चाहे मैं भोजपुरी में फेमस होकर के पहुंचूं या मैं बॉलीवुड में। नहीं, जैसे बाहर से, जैसे काजल राघवानी भी बाहर से है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री में ज़्यादातर आप देखें बाहर की लड़कियाँ, तो काम क्या होता है, एक कलाकार के लिए तो सब जरूरी होता है। और प्रमोद जी के साथ में क्या, कौन सी फिल्म है, क्या कुछ बताना चाहेंगे? प्रमोद जी के साथ में ये फर्स्ट फिल्म है, बाकी अगर इस फिल्म में बहुत अच्छा करते हैं तो कोशिश करेंगे कि आगे तक जाएं और कंटिन्यूटी उनके साथ और भी आगे की मूवियां करें। अभी कौन कौन सी फिल्म आपने की है उसके बारे में बताना चाहेंगे? जी सर, अभी काफ़ी फिल्म हिंदी मूवी और ये आ चुकी हैं, और ये भोजपुरी में मेरी फर्स्ट मूवी है एज ए आर्टिस्ट, बाकी रैम शूट वगैरह, मॉडलिंग, स्मैगजीन एंड बहुत सारे काम तो सर आर्टिस्ट हैं तो आते ही रहते हैं और करते रहते हैं, बस आप सबका सपोर्ट रहता है तो बढ़ रहे हैं उसी के। अच्छा, भोजपुरी के कौन से गाने आपको सबसे ज़्यादा पसंद हैं? सर भोजपुरी के मुझे मतलब मोस्टली भोजपुरी के गाने ऐसे होते हैं ना, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमें ये पसंद है, जैसे कि लाइक दैट एक हरियाणवी है ना, उसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमें ये गाना पसंद है, ऐसे ये भोजपुरी है, उनके सारे गाने इतने अच्छे होते हैं ना कि सुनने में मतलब एक इन्जॉयमेंट वाले होते हैं। आप कहीं भी खड़े हैं, बैठे हैं, आपको चाहे कितना भी सैड हैं, लेकिन वो गाना सुन के आप ऑलरेडी ना एक मूड ऐसा हो जाएगा कि हाँ चलिए ठीक है, सैड बन खत्म हो जाएगा। तो कौन से गाना गुनगुनाते हैं, अगर दो लाइन गुनगुना देंगे तो दर्शक को और मजा आ जाएगा? सर मैं भोजपुरी का वैसे कोई गाना नहीं, नहीं हरवाणी जो भी जो आता है वो भी गाइए आप। गाना एक्चुअली मैंने अभी तक कोई ऐसा गाना नहीं गाया है और ना मुझे सिंगिंग का कोई शौक नहीं है। नहीं, सिंगिंग सॉन्ग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्योंकि आप बताएं आपकी कौन सी चॉइस है जो आप मेरे मुंह से वो गाना सुनना चाह रहे हैं? हाँ बताइए सर। भोजपुरी कोई भी सुना दीजिए दर्शकों के लिए। भोजपुरी का एक बहुत फेमस सॉन्ग है, उसकी मैं आपको एक लाइन बता देती हूँ, कमरिया लाला लॉक करे कौन ये सॉन्ग है, बट मुझे बहुत अच्छे से नहीं। चपोन सिंह का वो गाना था कमरिया लपा लप करे, हाँ, वो जबरदस्त इंटरनेशनल गाना वो बना था। इंटरनेशनल है और वो गाना एक ऐसा गाना है जिसे ना हर मतलब किसी भी जगह पे वो चलता ही चलता है, मोस्टली जहाँ एंटरटेनमेंट होता है, मैरिज, शादी हो, बच्चे हो, बड़े हो, वो गाना चाहे किसी को आए ना आए लेकिन उस पर हाथ रखते तो सभी लोग। फिल्म की मुहूर्त होने वाली है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बारे में बताना चाहेंगे? सर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की वजह से ही आज मैं यहाँ पर हूँ, तो अगर आई थिंक वो नहीं होते तो शायद है कि मैं यहाँ नहीं होती और आप सबके सामने आज इतना सब कुछ नहीं बोल रही होती, तो मैं उनको बहुत दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया और फर्स्ट टाइम मुझे इतना बड़ा मौका दिया कि एक मूवी में जो बहुत अच्छे कैरेक्टर्स में वो मुझे चांस दे रहे हैं, और मैं चाहूँगी कि उनके उन्होंने जो मुझे चांस दिया उस पर मैं खड़ी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं और आज जिस तरह आपने मुहूर्त करके जो लुधियाना में आपने मुहूर्त किया, क्या कहना चाहेंगे भैया? आज अरविंद भैया भी साथ में हैं, बताएं भैया। हम यही चाहते हैं कि जैसे हम लोग सारे यहाँ के पप्पू भैया और जो भी हमारे प्रोड्यूसर भाई हैं,
और हमारे साथी भाई जिस तरीके से मिल करके इतना भव्य मुहूर्त किए हैं और उसको मिल करके इस फिल्म तक सफल बनाया जाए और इस फिल्म को बहुत अच्छे से अच्छे बनाया जाए और यहाँ के लोगों को भी समझ में आए कि नहीं हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। सजना को भागे सजनी, प्रमोद प्रेमी जी को कास्ट किए, हीरोइन का क्या खुलासा है कुछ बताना चाहेंगे? हाँ हीरोइन है, मार्केट की है, अच्छी है। और क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को, अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बस हम यही चाहेंगे कि जैसे दर्शकों हमारे भाई जो भी हैं जो हम लोगों को देख रहे हैं और जो जैसे हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, उसी तरीके से इस फिल्म को हम लोग मुहूर्त किए हैं और इस फिल्म को बनाएंगे, आगे तक ले जाएंगे और हम लोगों को हमेशा आशीर्वाद दें, प्यार दें कि ताकि हम लोग इस तरह मार्केट में एनी टाइम बने रहें। टाइटल से लग रहा है कि फिल्म एकदम पारिवारिक होगी और रोमांटिक होगी, ऐसा कुछ? हाँ, पूरा एकदम भरपूर रोमांटिक और पारिवारिक भी है, इसमें कोई वैसा नहीं चीज है अश्लीलता की ओर, जो भी है अच्छा है, कोई भी देखेगा उसको बहुत अच्छा लगेगा। अरे भैया आप क्या कहना चाहेंगे, आपने आपके कर्मों से लिखा गया? पहले तो मैं आप लोग को प्रणाम करता हूँ, मीडिया दर्शकों को और अपने भोजपुरी दर्शकों को, कि सबसे पहले आप लोग धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि आप इतना दूर से चल करके लुधियाना में आए, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो कोई मतलब कितना मैं आया हूँ कैसे कैसे मुझे पता है, तो आप लोग कितना करके संघर्ष करके आप लोग आए होंगे, मतलब मैं समझ रहा हूँ और सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं मुझे लग रहा है कि मतलब मुझे यहाँ पर आया मैं कंफर्टेबल, सब लोग टीम अच्छी मुझे मिली है, मैं काम अच्छे से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। स्टोरी के हिसाब से क्यों आपको ऐसा लगा कि इसको मैं प्रमोद प्रेमी जी ही फिर बैठेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखो क्या था कि कई रीजन होते हैं प्रमोद प्रेमी को लेने, प्रमोद प्रेमी जी को लेने के लिए, क्या प्रमोद प्रेमी जी थोड़ा सा क्या इस वक्त चॉकलेटी दिख रहे हैं, तो फिल्म फैमिली ड्रामा था, एक हीरो दो हीरोइन की कहानी है, तो उस हिसाब से हमने सोचा कि नहीं एक चुलबुला कृष्ण कन्हैया वाला जो कैरेक्टर होता है तो कृष्ण कन्हैया सा एकदम चुलबुला कैरेक्टर है, पूरा फैमिली ड्रामा से बाकी भरा हुआ है, बाकी तो हम आपको जब फिल्म देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। कभी कभी स्टोरी जब हम लोग तैयार करते हैं तो अपने माइंड में खुद ही हम लोगों को लग जाता है कि नहीं इस हीरो को लेकर के हम लोग काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, उसी तरीके से हम लोग जब स्टोरी कोई भैया हमारे लिख रहे थे और बताए मुझे, तो मुझे माइंड में आया कि अगर प्रमोद प्रेमी जी को लेकर करेंगे तो बहुत अच्छी फिल्म बनेगी, मुझे भरोसा था। शूटिंग कहाँ होगी इसके कुछ बताएंगे कब तक शूटिंग? हम लोग अभी तो मान लीजिए हम लोग यूपी में करने के मूड में हैं। पंजाब में आपने मुहूर्त किया मान लीजिए लुधियाना में और यूपी में शूट करेंगे, क्या दिखाना क्या चाहते हैं? दिखाना में क्या है कि जैसे कि हमने उस मिट्टी की खुशबू हमने लोगों को दिखाया कि हमारी भोजपुरी मिट्टी खुशबू कितनी अच्छी है, लोगों में बिखेर रही है, अपने जो भी है चीज़ें लोग अच्छे गाने सुनते हैं, तो हम चाहे मतलब डायरेक्टर का प्रोड्यूसर का कहना था कि नहीं पंजाब में भोजपुरी इंडस्ट्री लाया जाए, पहली बार हम खड़ा करें, जो भी है तो उन्होंने कोशिश किया यहाँ पर उन्होंने। जिस तरह आपने मुहूर्त में आपने देखा है इतनी प्रमोद प्रेमी क्या भीड़ों से भीड़ एकदम जमी एकदम, इस तरह लुधियाना में आपके फिल्म के मुहूर्त पे कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि लुधियाना में हम लोग फिल्म की तैयारी किए और मुहूर्त किए और इतना दर्शक हमारे भोजपुरी के यहाँ पर भी भरे हुए हैं, जितना हम लोग सोच नहीं सकते थे उससे ज़्यादा यहाँ पब्लिक आई हुई है और हम लोग कैसे कैसे करके भीड़ से बच बचा के मुहूर्त कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। यहाँ लोगों को देख करके हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई इतने दर्शक हैं हम लोग। अरे भैया आपसे मैं पूछना चाहूँगा कौन कौन सी फिल्में आपकी इस समय शूटिंग, क्योंकि इस साल लगभग 10-12 फिल्में आपके फ्लोर पे हैं, कौन सी रिलीज हो रही है, कौन आने वाली है? अभी फिलहाल करंट में कारतूस की शूटिंग चालू होने वाली है, ये प्रमुख प्रेमी हीरो हैं, और नेक्स्ट मंथ में एक ही है जिसके डायरेक्टर अपने फिल्म का नाम है सजना को भागी सजनी, उसके बाद एक कल्लू लेके फिल्म एक फ्लोर पे जा रही है, उसके बाद एक जोरदार फिल्म है जो इसी साल 6-7 फिल्में मैं कर रहा हूँ। कौन आने वाली है कुछ दर्शकों बता दें, इंतजार है आपके लिए? करेंट में 13 के तिलक 16 की शादी आने वाली है, एक फिल्म है जन्मदाता जिसके हर्षवर्धन निराला है वो हीरो हैं और उनकी फिल्म, करंट में 2 फिल्में इसी मंथ में रिलीज होने वाली है। नवरात्र भी चल रहा है भैया और दशहरा भी आने, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत शुभ घड़ी है, नवरात्र चल रहा है, दशहरा आने वाला, उसी बीच में एक अच्छा शुभ एक मुहूर्त किए और एक अच्छी शुरुआत हुई है, हमारे लिए बहुत अच्छा। अरे भैया आप क्या कहना चाहेंगे? नवरात्रि में इतना अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, मुहूर्त नवरात्रि में फिल्म को अपने शुरुआत कर रहे हैं, इससे बढ़ के क्या चाहिए? हम चाहें कि इसी तरह माता रानी का भी इतना आशीर्वाद हम लोगों को हो कि ये फिल्म बहुत अच्छी बने
और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग मार्केट में लोगों को दर्शकों को बीच में दें। बहुत बहुत धन्यवाद चरण माता जी भैया। हम प्रबोध प्रेमी यादव और ये फिल्म के डायरेक्टर अनिल राज जी जो हमने के फिल्म सजना को भाग गई सजनी आज लुधियाना में हमने के फिल्म के मुहूर्त भई और बड़ी पैमाने पर मुहूर्त भई तो और इस फिल्म के प्रोड्यूसर पप्पू सिंघानिया जी को बहुत बहुत बधाई की इतने बड़े बजट की फिल्म में अनिल राज जी को लेकर बना रहे हैं और हम कुछ में कास्टिंग किए हैं इसके लिए लव यू। हम भैया बात करें कि जिस तरह आपकी फिल्में और गाने वायरल हो रहे हैं जिस तरह की और एक विवादे से बहुत दूर रहते हैं भैया उस तरह आप लुधियाना में आज मुहूर्त किए हैं क्या कहना चाहेंगे यहाँ दर्शकों की इतना प्यार के दर्शक भोजपुरिया जो बा एकदम टूट पड़ा हमने मुहूर्त होते रहे इतना काफी भीड़ हो गई भैया कि शो में भीड़ लागल बा और हम चंडीगढ़ से बाई रोड आनी है तो थोड़ा लेट हो गया तब पर भी हमने अपन मुहूर्त कार्यक्रम ऊर्जा कहनी है जाए और बहुत भव्य फिल्म के मुहूर्त भैला तो और कहानी भी बहुत ही मजेदार बा और अनिल राज जी के साथ हम पहलका फिल्म करते नहीं आसन पूरा विश्वास पर दोनों भाई मिलकर हमने अच्छा काम करी जाए आप सब बीच में। बात करें फिल्म के राइटर अरविंद जी के बारे में कुछ बताओ चाहब आप भैया कि कहानी के स्टोरी सुन के हम फिल्म साइन के लिए बनी और अनिल भाई बोलने कि भैया एक को ढंग के बनावे के बाद बड़ी खुशी भैया कि चलिए आप जब बोला था नहीं तो जरूर इससे बनाई फिल्म में कराएंगे। अनिल भैया आपका कहा चाहब आज भैया को लेकर साइन और आज मुहूर्त इतना भव्य तरह से वो भी लुधियाना में जहाँ के पूर्वांचल मतलब जो है भोजपुरी का कोई यहाँ गढ़ नहीं है लेकिन तब भी यहाँ पे इतना भव्य तरफ से जैसे लग रहा शो में एंट्री था आपके मुहूर्त में क्या कहना चाहेंगे भैया। देखिए पहला नेम के हम भैया को लेकर के इतना खुश हैं कि समझ लीजिए कि कहने की हद नहीं और जो यहाँ भव्य तरीके से मुहूर्त किया गया है ऐसा नहीं है कि यहाँ पे भोजपुरी नहीं है या भोजपुरी के लोग नहीं हैं हम लोग पूरा देखें और आज जिस तरीके से हम लोगों के मुहूर्त में जितनी भीड़ उमड़ी थी जितना हम लोग सारा भीड़ के तोपने के बावजूद साइड करने के बावजूद जितना मेहनत करके हम लोगों ने मुहूर्त किया है आज देखने से मुझे ये लगा है कि जितना हम लोग यूपी बिहार में भोजपुरी उससे कुछ ही कम यहाँ लगल आधा बिहार इजे वाला आधा बिहार इंडिया लगल जैसे कि हम देख के इतना हैरान हो गई नहीं कि कुछ कहे लगना और भैया के लेके हम जो फिल्म के स्टोरी जो हिसाब से हम तैयार के लिए बने जाए वो समझ लें कि जो घड़ी बनी एकदम समझ लें कि दर्शक के एकदम मजा आ चाहिए। कब तक शूटिंग फ्लोर पे आ रही है फिल्म उसको कुछ बताना चाहेंगे दर्शकों को। तो फिल्म के देखी बहुत जल्द हमने के कहा कि हमारे डेट देवे के बाद और अनिल भाई अपन पूरे रेडी में बाहर तो इनके भाई के 2021 में प्रयास पकिंग के डेट देखे हम चलिए भैया के बहुत बहुत धन्यवाद है कि भैया हमके जब हम चाहे तब तो भैया डेढ़ दो बजे तैयार हो जाए भाई के साथ काम करने में मजा आई कैसे बहुत जानकार डायरेक्टर यहाँ के बानी और बहुत ही अच्छा कहानी के खोज के लिए बनी तो आप सब से आग्रह रही कि आप सब भाई दोनों भाई के प्यार से बात आप सब बेहतर नवरात्र आ गई भैया हाँ नवरात्र का भी तो देखिए आज सप्तमी शायद सप्तमी है सप्तमी के दिन हमने क्या फिल्म के मुहूर्त लुधियाना में करनी है तो काफ़ी गाना हमारे बाजा था अभी तो आप सब सुनने बनी कि मेहरारू चाहे सुनर के बाद मेहरारू चाहे हैवी और तमाम गाना वहाँ बहुत गाना जो आप सब प्यार देते हैं यही तरह आप सब प्यार मेहरारू चाहे सुनर एकदम तहलका मचा देंगे और आवाज से पहले यहाँ इतना जोर से एकदम पूरा जोर शोर से भैया का गाना बजत रहा कि सब इतना खुशी के माहौल में रहें कि भैया यहाँ आ रहे हैं लुधियाना में बड़ी तमाम भीड़ है और देखी देवी गीते को आप बोलते हैं देव लाइन सुना देते हैं आपका जी जी हर की सब हो के हुन हर सब हो के हुनर में हरारू चाहे सुनर ये बोलबम में गाना गोले अभी देवी गीते को गोले बने हर सुनी मैया देवी ये गोला भर चाहे है भी खरचिली ना हो के ढेर रसिली ना हो के हर तोहके चढ़ावे खातिर लियाने जलेबी और सुनी मैया देवी एगो लवर चाही हेबी आप सब प्यार गाना के देनी और ट्रेंडिंग में बहुत दिन गाना रहा भैया आप सब बेहतर प्यार से अभी कौन कौन फिल्म आने वाला बा भैया उसको फिल्म देखी गुप्त वाला बा 15-16 फिल्म में जो आप सब के बीच में रूप मेरे प्यार का उसके बाद छुपा रुस्तम शुभ विवाह घर जमाई और तमाम फिल्म जो बा हमारे हथकड़ी 2
बहुत सारा जो थिएटर में रिलीज होके वाला बा। अभी कौन कौन फिल्म अभी शूटिंग के प्लान? 15 तारीख से देखिए अभी हाल में हम कर गए घर जमाई बंटी सिंह जी को कर बाद अभी साउथ के डायरेक्टर जितेंद्र गिर जी के कर कहने अभी टूट रिश्ता और 15 तारीख से हमारे फिल्म बा सचिन यादव जी के साथ जौनपुर में जो बहुत ही वो भी बढ़िया फिल्म बा। और फिल्म के फिल्म में विलेन हयात भाई और रजनीश पाठक जी और तमाम में एक्टर्स लोग नामी चीन लोग जुटी और बहुत ही अच्छा सामने की फिल्म बनाई। अभी हीरोइन का कोई बोलना खुलर बा भैया का? ना हीरोइन मार्केट के रखा है भाई से बोलने अभी। बिल्कुल बिल्कुल हीरोइन जे भी रही मार्केट करे जब कंसेप्ट के हिसाब से इतना बड़ी स्टार उठ लेंगे तो भाई मार्केट के हीरोइन अगर ना रहे तो मजा ना है। कहानी के अनुसार कहानी के अनुसार में मार्केट कलर बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे भैया सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई कि जिस तरह आप इस साल मूवी पे मूवी आप कर रहे हैं और 3 साल से इंडस्ट्री में आप राइटर के काम कर, कैसा जर्निंग रहा कुछ बताना चाहेंगे उसको? स्ट्रगल लाइफ तो संघर्ष से ही गुजरती हुई सबकी होती है इसी तरह मेरी भी थी। लेकिन प्लेटफॉर्म मुझे मिला था रितेश ठाकुर, मैं धन्यवाद देता हूँ रितेश ठाकुर डायरेक्टर का जिन्होंने मुझे पहली फिल्म में प्लेटफॉर्म दिया प्रमोद प्रेमी की आशिक दीवाना मेरी पहली फिल्म थी। उसके बाद कंटिन्यू मैंने करीब 16-17 फिल्में मैंने किया है। करंट में मैंने करीब मैं इस समय करंट में मेरी 2 फिल्में रिलीज़ होने वाली हैं जिसका एक नाम है 13 के तिलक 16 के शादी जिसमें गौरव झा हीरो है। एक दूसरी मूवी है जन्मदाता जिसके हर्षवर्धन निराला है। कंगना कनक यादव हीरोइन उनकी हैं। अभी फिलहाल इस साल मैं कंटिन्यू 3 फिल्में 4 फिल्में कर रहा हूँ। एक फिल्म है कारतूस, एक फिल्म मैंने सिर्फ डायलॉग लिखे हैं उसमें भाभी माँ जो कि बड़ी फिल्म है रानी चटर्जी उसमें एज ए लीड कैरेक्टर है। बाकी सब अच्छे से चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे भैया जिस तरह आपकी फिल्म का यहाँ लुधियाना में मुहूर्त हुआ क्या बताना चाहेंगे प्रमोद जी को लेकर? मुझे बहुत अच्छा लगा कि प्रमोद जी यहाँ पर आए, लोगों की भीड़ लग गई, ताते लग गए, मतलब अलग ही कुछ, मतलब ऐसा लग रहा था कि मतलब कोई देवता आया हुआ है और लोगों की इसमें एकदम ताते की भीड़ लग गई। मुझे बहुत अच्छा लगा देख करके। अब प्रमोद जी मुझे बोले भी कि यार मतलब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मतलब मुझे चाहने वाले इतने लोग भी हैं, मतलब लाइन लग गई थी, मतलब वो भीड़ में वो स्टेट पे यहाँ तक कि वो प्रोग्राम नहीं हो पाया जो प्रोग्राम ने सोचा था। और क्या कहना चाहेंगे भैया फिल्म को लेकर और डायरेक्टर जो हैं इसके प्रोड्यूसर कैसे क्या है उनको बारे में कुछ बताना चाहेंगे? फिल्म के जो डायरेक्टर बहुत ही अनुभवशील आदमी हैं, व्यक्ति हैं, उनके व्यक्तित्व भी बहुत अच्छा है। लोगों से मिलजुल के किस तरह से एक आर्टिस्ट से काम निकाला जाता है, टेक्नीशियंस किस तरह से बातें किया जाता है, उनको सारा अनुभव उन्हें है, इसलिए मुझे उनके साथ में जुड़ने में मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो ठीक है हम इनके साथ जुड़े हैं, ये हमारे साथ जुड़े हैं, मिलकर एक अच्छी ट्रेनिंग बना के लंबे समय तक काम करते हैं। बात करें आपकी लेखनी की बात किया जाए, जो भी आपने फिल्म किया अभी लगातार चाहे आप 13 को तिलक 16 के शादी एक टाइटल जो आपने एक पारिवारिक जो दे रहे हैं जितनी भी फिल्में में आपकी आ रही हैं तो हर फिल्म आपकी एक भोजपुरी का अलग पहचान देता है, क्या कहना चाहेंगे भैया इस तरह? क्या होता है कि मैं अक्सर में फिल्में एक जोन होता है सबका अपना अपना लिखने का, मैं फैमिली ड्रामा अक्सर लिखता हूँ, मैं फैमिली ड्रामा कॉमेडी फिल्म लिखता हूँ। अभी मेरी करेक्ट में एक फिल्म आ रही है दिल से दिल तक जिसमें राज यादव हीरो हैं, जिसमें एक थप्पड़ की भी फाइट नहीं है, फुल कॉमेडी है, फुल मतलब बताएं जैसे कि आदमी फुल इंटरटेनमेंट। और एक फिल्म मैंने किया था सिंहासन, आपको पता होगा आप लोगों को कि राकेश मिश्रा को लेकर एक सिंहासन एक मूवी की शूट हो रही थी, किसी कारण बस रुका हुआ, जल्दी शुरू होगा। और टाइटल सारी फिल्मों का भर्षक मैं ही देता हूँ, मैं फिल्में लिखता हूँ और टाइटल भर्षक मैं ही देता हूँ और लोगों को पसंद भी आता है टाइटल। जैसे इस फिल्म के टाइटल आपने लिखा सजना को भा गई सजनी और स्टार पावर स्टार चाहे पावर स्टार पवन सिंह होते हैं चाहे आपके खेसारी जी सुपर स्टार होते हैं, आप कई स्टार हैं, आपने प्रमोद जी को क्यों साइन कराया कि ऐसा लग रहा है कि प्रमोद जी ही इसमें फिर बैठेंगे? इसका मेन रीज़न ये है कि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं भोजपुरी फिल्मों का आप जानते हैं कि हर किसी के पास मॉल में जो भी होता है तो हर किसी का बजट कम होता है, जिसके पास बजट प्रमोद प्रेमी के लोग प्रमोद प्रेमी के लिए करते हैं, जिसके पास बजट खेसारी जी की खेसारी जी के लिए करते हैं, उसी तरह से हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उनकी जो बजट थी कौन इनको प्रमोद जी को लेकर करने के सक्षम थे वो, तो हमने उन्हें कहानी सुनाया और उन्हें अच्छा लगा, हम उनके साथ में काम करते हैं। भैया बात करें जैसे फिल्म आपकी है हर हीरो के साथ में आपका कॉम्बिनेशन अच्छा है
कौन कौन ऐसे कौन कौन हीरो हैं जिसके साथ आपको फिल्में आ चुकी हैं? बोल बता। मैं दिनेश के साथ भी पवन जी को कुछ छोड़ करके बाकी सारे हीरो साथ मैंने काम किया। वो कौन कौन से हैं जैसे स्टार्टिंग अगर करे तो राज यादव हो गए, उसके बाद गौरव झा हो गए, अमरीश सिंह हो गए, और ये जो सिंह जाइना भरिया क्या जो राकेश मिश्रा हो गए, निशार खान हो गए, लगभग मैंने सबके साथ मैंने काम किया। जी की साथ में पहली फिल्म नहीं, प्रभु श्री राधे मेरी तीसरी फिल्म है ये, पहली फिल्म नहीं चौथी फिल्म मेरी है। पहली फिल्म उन्होंने आशिक दीवाना किया, दूसरी फिल्म उन्होंने सजाइना डोली किया, तीसरी फिल्म मेरी कर रहे हैं किए थे बीच में जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, एक फिल्म उन्होंने और किया था, और एक फिल्म कारतूस करने जा रहे हैं करंट में, इसी 25 तारीख उनका शूट चालू होगा। एक ये फिल्म है, एक जिगर बांच करके एक फिल्म है जो आने वाली है। नवराज चल रहा है, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे दर्शकों को? बस यही मैं चाहूँगा कि हमारी फिल्म पे हमारे टीम के लोगों पे अपना प्रेम आशीर्वाद दुलार इसी तरह से बनाए रहें, ताकि हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हमारी टीम हमेशा आगे की ओर प्रोसेस करते रहे। बात क्या पप्पू भैया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पप्पू जी भैया जो हैं बड़े स्वभावशील व्यक्ति हैं, वो प्रोड्यूसर सेट पे भले हैं मतलब हमारे बीच में प्रोड्यूसर हैं, लेकिन अपनत्व का भावना वो निभाते रहते हैं। कभी किसी से कोई प्रॉब्लम होती है तो तुरंत झट से दौड़ना, मतलब ऐसा होता नहीं कि प्रोड्यूसर है, ऐसा लगता है कि नहीं हमारे दोस्त हैं, और कभी उन्होंने एटीट्यूड तो उनके नाम एटीट्यूड नाम का जीरो उनके अंदर है। कट कर दीजिएगा। एक भोजपुरी फिल्म को लेकर अश्लीलता के लेकर लेखनी पर ही ज़्यादातर लोग जाते हैं, क्योंकि आप लोग लेखनी में ही आप लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा, क्योंकि लिखा जब जाएगा और डायरेक्टर उसी तरह उसको पब्लिक में परोसते हैं, तो बीच में बड़ी मार्केट में हल्ला हो रहा था या और इंडस्ट्री में ये सब चीज़ चल रहा था कि सब फिल्म भोजपुरी फिल्में अश्लील होती हैं, और जब से ये कोरोना के बाद में दौर आया है एक पारिवारिक फिल्म का, तो क्या कहना चाहेंगे भैया, किस तरह क्या है कुछ बताना चाहेंगे? मैं मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं था कि फिल्में अश्लील बनती हैं भोजपुरी में। फिल्में हमेशा पहले से ही, जब मनोज तिवारी जिसके समय से ही, जब मनोज तिवारी ने फिल्म को इंडस्ट्री को फिर से पिकअप दिया, तब से ही मतलब फिल्म तो पहले से अच्छी अच्छी फिल्में बनी हैं। लोगों की मानसिकता है, कभी जो जिस नज़रिए से देखे उन्हें लगता है कि नहीं इसमें ऐसा है। बॉलीवुड में भी लोग फिल्में बनाते हैं तो छोटे कपड़े उसमें पहराते हैं, हम भी वेस्टर्न इंडियन लुक देते हैं तो हम भी उसमें पहराते हैं, कुछ अश्लीलता कुछ नहीं है। हाँ ये है कि अपना अपना सोच होता है, हम जिस तरह से सोचते हैं उस तरह से ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि लोग कहें कि अश्लीलता भोजपुरी में है, मेरे हिसाब से तो नहीं है अश्लीलता। और बात करें भैया, जैसे कि जो भी अभिनय करते हैं हीरो हैं यहाँ के, सब सिंगर ही हैं, बतौर सिंगर होते हुए वो लोग क्या करते हैं, गाना गाते हैं, उसके बाद रोज उनकी गाने आते हैं लेकिन फिल्म उनकी फ्लॉप हो जाती है, क्यों ऐसा क्या है भैया बताना चाहेंगे? अभी आज का टाइम तो चेंज हो गया है, अभी आज का जोन ये हो गया है कि हम अच्छे जो भी एक्टर हैं, अगर वो अच्छे एक्टर हैं तो काफ़ी ऐसे चैनल्स हैं, काफ़ी ऐसे जो भी बड़े बड़े चैनल्स हैं उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, या सिंगर नहीं हो अगर अच्छे एक्टर्स हो तो फिर भी हम आपकी फिल्मों को खरीदेंगे और अच्छी कीमत पर खरीदेंगे, ताकि उनके जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके उनका मनोबल बढ़े, ताकि ऐसे लोगों को भी यहाँ इंडस्ट्री में काम मिले। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भैया चैनल बात करने के लिए। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।